नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.3, कनेक्टिंग द डॉट्स का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका ए क्या है? कनेक्ट द डॉट्स टू गेट वॉट मीन्स और लॉट टू यू, यानी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। ओके, तो उससे बनाने के लिए आपको ये डॉट्स को क्या करना है स्टूडेंट, कनेक्ट करना है। तो देखिए, हमने डॉट्स को इस प्रकार से कनेक्ट किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो क्या बना यहाँ पर? कंप्यूटर, दिस इज अ कंप्यूटर, द वर्ड इज कंप्यूटर। ओके, बी है यहाँ पे अगला, कि विथ योर बेंचमेट यूज द लेटर्स गिवन अबव टू मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर, सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 मिनट्स एंड कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ अदर क्लासमेट्स। क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनको ज्वाइन कर करके, मतलब उनके हेल्प से ना आपको एक रजिस्टर बनाना है कंप्यूटर्स का। जैसे कंप्यूटर के लिए जो भी, मतलब कंप्यूटर में हम लोग को कई सारे शब्द होते हैं ना जो इससे रिलेट करते हैं, राइट? तो वैसे करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, और आप लोग को अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ये करना है। जैसे आप टाइम सेट कर लो 5 मिनट का, ठीक है? तो सब लोग अपने अपने वर्ड्स बनाएंगे और फिर अपने वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यू आर क्वाइट फैमिलियर विथ कंप्यूटर स्पेशली द पर्सनल कंप्यूटर, फॉर्म पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वन इज गिवन टू यू। यानी जो फेमस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। देखिए, हमने लिखा हुआ है एप्पल, ये तो एप्पल दिया गया था, सैमसंग, IBM, लेनोवो, फॉक्सकॉन, HP। ओके, तो ये कुछ कंपनियाँ हैं फेमस, मतलब बहुत प्रसिद्ध, जो क्या करती हैं कंप्यूटर को, मतलब मैन्युफैक्चर करती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि कंप्लीट द वेब बाय फिलिंग द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स आपको बताने हैं और इस वेब को कंप्लीट करना है। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, एजुकेट्स एंड एंटरटेन्स, स्टोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट्स इंस्टेंट कम्युनिकेशंस। ओके, फोर्थ का ए है यहाँ पे कि एक्सपांड द फॉलोइंग इनटू देयर फुल फॉर्म्स, जैसे कि दैट्स है तो इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दैट इज होगा, डिडंट है तो डिड नॉट होगा, हेयर्स है तो हेयर इज होगा, कांट है तो कैन नॉट होगा, IVE तो क्या हो जाएगा, आई हैव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द शॉर्ट एंड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे क्या था, देखो शॉर्ट फॉर्म दिए गए थे आपको, एक्सपांड फॉर्म लिखना था, यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म दिए गए आपको, शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। तो यू हैव कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, आई वुड को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है तो उस टाइम पे आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे इट इज़ को हम लोग कभी कभी इट्स लिखते हैं, यू आर को यू और आर ही लिख देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के, फिर ही और डबल एल, आई हैड को इस प्रकार से, विल नॉट को ऐसे लिखते हैं वॉन्ट, और शैल नॉट को साइलेंट, आर नॉट को आरंट, नीड नॉट को नीडंट, मस्ट नॉट को मस्टंट, फिर ऑट नॉट को ऑटंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब आ जाते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। देखिए, हमने यहाँ पे वार्मिंग अप फिनिश कर लिया है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी इजी थे, हमने कर लिया। अब इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले का ए है रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ द स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं आप लोग को ये टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है ना। वार्मिंग अप तो कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश वर्कशॉप कहाँ पर है, नीचे 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 ये रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना कुछ इंसिडेंट्स दिए गए हैं ABCDEFG, तो इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब एक ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ था कि जॉब्स ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज, देन ये वाला इंसिडेंट हुआ था, देन दिस, फिर ये, फिर लास्ट में ये वाला कि जॉब्स अंडर विंटर सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बी कि रीड द स्टोरी, रीड द थर्ड स्टोरी अगेन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। ओके, स्टोरी आपको रीड करनी है और फिर ये जो फ्लो चार्ट दिया गया है जिसे आपको कंप्लीट करना है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग देखो इधर, ये देखो, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करके।
अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, रीड द लेसन, रिफर टू अ डिक्शनरी एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मतलब क्या हुआ इसका कि कॉलम ए ये और कॉलम बी ये, तो इसका मीनिंग जैसे डायग्नोसिस है तो इसका मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, तो डायग्नोसिस का ये हो जाएगा, यानी कि थर्ड जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम और इलनेस। फिर डिवेस्टिटेटिंग, तो इसमें क्या आएगा, कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन। फिर इंट्यूशन, तो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस और पीपल्स फीलिंग बिफोर हैंड। फिर कैलीग्राफी, तो क्या आएगा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। फिर डेस्टिनी क्या आएगा, द पावर बिलीव टू कंट्रोल इवेंट्स। एंड कैटलॉग का क्या आएगा, कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स स्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लिखना है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थ्री, गो थ्रू ऑल द थ्री स्टोरीज, आइडेंटिफाई सम क्वालिटीज ऑफ स्टीव जॉब्स एंड कंप्लीट द वेब चार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने इस वेब चार्ट को कंप्लीट किया है, स्टीव जॉब्स क्यूरियसिटी, इंट्यूशन, विलिंगनेस टू लर्न, प्रैग्मेटिक, डिटर्मिनेशन, करेज। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों, ये जो टेबल दिया गया था जिसे आप कंप्लीट करना था, तो मैंने तो डायरेक्टली मतलब आंसर लिखा है, मैंने ये टेबल कंप्लीट कर दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो ये टेबल कैसा ब्लैंक है, देखो। यस, देखो ये टेबल, इसे ही आप लोग को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो देखिए मैंने इस टेबल को कंप्लीट किया है, आप भी कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से, हाउ मतलब बताओ कैसे। पहला है द कैलीग्राफी क्लासेस हेल्प स्टीव जॉब्स आफ्टर 10 ईयर्स, तो हाउ कैसे, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि रीड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही टाइम जाता है, इसलिए आप प्लीज़ इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो दूसरा वाला मतलब भी ये है कि यू कैन कनेक्ट डॉट्स, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पे थर्ड वन, कि जॉब्स रिएक्टेड लेटर ऑन आफ्टर द शॉक ऑफ बीइंग फायर फ्रॉम एप्पल, तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला, जॉब्स वॉज कर्स क्योर ऑफ रेयर कैंसर, तो इसका भी आंसर आपके सामने है। अगला है यहाँ पे फिफ्थ वन, कि जॉब्स एक्वायर्ड द फेमस वर्ड स्टे हंग्री स्टे फुलिस, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे, कि बिसाइड्स दोज गिवन एट द एंड ऑफ द टॉक बाय स्टीव जॉब्स, पिक आउट अदर पीसेस ऑफ एडवाइस दैट जॉब्स गिव्स इन हिज स्पीच। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एडवाइसेस लिखे हुए हैं, जैसे ये लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स, लर्न वट एवर यू कैन वेन एवर यू कैन, वी कैन लर्न इवन फ्रॉम निगेटिव एक्सपीरियंसेज, हैव ट्रस्ट दैट सम हाउ द डॉट्स विल कनेक्ट इन योर फ्यूचर, हैव ट्रस्ट इन योर गड डेस्टिनी लाइफ कर्म वट एवर, लव वॉट यू डू, कीप लुकिंग फॉर वॉट यू लव एंड डोंट एवर सेटल फॉर लेस, इवन अंडर द मोस्ट डिवेस्टेटिंग सर्कमस्टेंसेज यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, डोंट लूज फेथ, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ओके अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन का, ये यूज द फॉलोइंग idioms phrases in sentence of your own, मतलब यहाँ पे जो भी phrases या फिर idioms दिए गए हैं इन्हें आपको sentences में use करना है, मतलब sentences form करना है, आप ये समझो। जैसे पहले यहाँ पे कि drop in, तो देखिए हमने use किया इसको, my daughter and I'll drop in at your place tomorrow evening। ओके फिर ड्रॉप आउट, तो देखो लिखा है हर ब्रदर शाम इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट एट ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रीनर। स्टम्बल ऑन, तो देखो आई स्टम्बल ऑन अ होटल ट्रॉली एंड एंडेड अप इन अ वाटर फाउंटेन नियर बाय। लुक बैकवर्ड, तो लाइफ इज अ फुल ऑफ सरप्राइजेस, कीप मूविंग एंड डू नॉट लुक बैकवर्ड। लुक फॉरवर्ड, इट वॉज एन अमेजिंग डे, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। फिर सिक्स्थ वन है लेट डाउन, तो योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम बेटर, डोंट लेट देम डाउन। नेक्स्ट है साइन ऑफ, नो मैटर वॉट डू नॉट लूज फेथ इन योर सेल्फ, आई साइंड ऑफ विथ दैट नोट।
Begin a new, let's forget what's over and begin a new life together. तो ये आपका आंसर है, अगला देखते हैं, चलो एक बार देखो. और ये जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं ना स्टूडेंट, ये आप लोग खुद से भी बना सकते हो. ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखना है, वही लिखना है, नहीं नहीं ये वर्ड का यूज़ करो और मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप बना दो, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर. बी है यहाँ पे कि फिल इन द गैप्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट इडियम्स. आपको क्या करना है, चलो टेक्स्ट बुक में चलते हैं. ये देखो यहाँ पर कुछ एडियम्स दिए गए हैं, तो इनकी हेल्प से इनको चूज करके ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना. तो क्या क्या लिखोगे मैं आपको बताती हूँ. पहले में आप ये लिखना कि गेट वंस अफेयर्स इन ऑर्डर, ओके. और बी में आप ये लिखना स्टे हंग्री, सी में कनेक्ट द डॉट्स, डी में ड्राउन आउट, और ई में क्या लिखोगे हिट्स इन द हेड विद अ ब्रेक, एफ में लिखना बिगिन टू डाउन डाउन. बस ख़त्म हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखिएगा, नेम द टेंस ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइन टू इंक्लूड टाइम एंड एस्पेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे टेंसेस के नाम लिखने हैं. जैसे आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर तो सिंपल पास्ट टेंस, आई हैवंट फाउंड इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मशीन टूस कंप्यूटर, तो क्या आएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगेन आपको बोलना चाहूँगी अगर आपको टेंसेस आते रहेंगे तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए टेंसेस पढ़िए और फिर यहाँ पर आइए, ठीक है ना. अगला है इट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, तो ये क्या है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा चलो अभी अगला क्वेश्चन आप ही बताना, रुको अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही बताना. जैसे यहाँ पे मैं इसको पूरा कट कर देती हूँ, ठीक है ना. अब बताओ आई एम फाइन नाउ, तो बताइए ये कौन सा टेंस है, क्या बता सकते हो. यस आप थोड़ा सोचो सोचो. आई एम फाइन नाउ, अब एम आया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट. लेकिन 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 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा है कि वर्ब में आई एन जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं. देन ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसी प्रकार से आई हैव बीन फेसिंग डेथ, तो हैव बीन फेसिंग किस में आ सकता है, हैव बीन. हैव आया तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट यहाँ पे क्या हैव बीन, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिर नेक्स्ट है आई शैल बी टेलिंग यू थ्री स्टोरीज, ये बताइए कौन सा टेंस है स्टूडेंट. शैल बी या विल बी आया देन वो सिंपल रहेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ आई एन जी है ना, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा, ठीक है. तो वैसे टेंस पहचानना ना बहुत ही आसान होता है. मैं आपको ना एक काम करूँगी, एक फार्मूला दे दूँगी, एक ही फार्मूला नहीं, मतलब हर एक टेंस के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको दे दूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही लर्न किए हैं. और एक बार आपने याद कर लिया ना, बस अब थोड़ा सा 2 से 3 दिन उसको थोड़ा रिवाइज़ करो, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो ऐसा सेट हो जाएगा ना, कभी बाहर नहीं निकलने वाला. पहले मुझे भी ऐसा होता था कि अरे टेंस कैसे याद करें, लेकिन जब मैंने 2 से 3 दिन उसकी प्रैक्टिस की, उसको समझने की कोशिश की, तब बहुत ही आसानी से लर्न हो गया और आज तक नहीं भूली, ठीक है. तो आप भी ऐसा कर सकते हो, मैं आपको वो फॉर्मूले दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको लर्न करना. अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बी क्या है, इसमें चेंज द टेंस एज इंस्ट्रक्टेड, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको ना टेंसेस को चेंज करना है, ठीक है. तो पहला है यहाँ पे आई गॉट फायर्ड, इसे आपको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा बच्चों, देखो आई हैव गॉट फायर्ड, ठीक है. लाइफ हिट्स यू इन द हेड, तो इसे आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो कैसे चेंज करोगे, क्या आएगा यहाँ पे देखो, लाइफ हैज़ बीन हिटिंग यू इन द हेड. अगला यहाँ पे द डॉट्स विल सम हाउ कनेक्ट, इसे आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो क्या लिखोगे, द डॉट्स हैड सम हाउ कनेक्टेड. अगला यहाँ पे फोर्थ वन, आई स्टार्टेड अ कंपनी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे आपको चेंज करना है, तो उसका आंसर देख लीजिए आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, ओके. अगला यहाँ पे माई डॉक्टर एडवाइज मी, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसे आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो कैसे चेंज करोगे, माई डॉक्टर हैड बीन एडवाइजिंग मी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द न्यूज़ आइटम एंड राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ सुटेबल जॉब्स इन द सेम कंपनी, अटैच अ सेपरेट सीवी रिज्यूम. मतलब आपको क्या करना है, जैसे न्यूज़पेपर में कैसे निकलते रहते हैं ना वैकेंसी, इसकी यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है. तो वही आपको रीड करना है और फिर आपको अप्लाई भी करना है फॉर द सेम जॉब, और आपको अपना सीवी भी वहाँ पर अटैच करना है, ठीक है.
तो लेट सपोज कि एप्पल कंपनी ने मतलब निकाला है उसका वैकेंसी, तो वो आप फिल कर रहे हो, तो क्या लिखोगे आप, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए है, द न्यू ऑफिस इन हैदराबाद विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मैप्स एप्पल्स प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, आईपैड, मैक एक्सेट्रा, दिस विल क्रिएट अप टू 4,000 जॉब्स। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। मतलब आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो कि आपको वहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट का जॉब दिया जाए। ओके, तो किस प्रकार से आप लेटर लिखोगे, देखो सबसे पहले तो ये इस साइड में लिखिएगा, लेफ्ट साइड में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम और फिर ये पूरा, ठीक है। और फिर उसके नीचे इस प्रकार से लिखिएगा, टू द एचआर मैनेजर, क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किसको मतलब भेजते हैं, एचआर मैनेजर को ही बोलते हैं, तो ये पूरा लिखिएगा। एंड देन सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर डियर सर करके आप लोग ये पूरा लिख सकते हो, आप जो भी कहना चाहते हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यस, फिर उसके बाद अटैचमेंट्स, मतलब यहाँ पे कौन कौन से अटैचमेंट्स हैं, जो सीवी है, फिर फोटोकॉपीज ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, योर्स ट्रूली रतन शाह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। अभी रिज्यूम आपका, तो रिज्यूम तो मतलब रिज्यूम में आपका नाम रहेगा, एज रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या किया है, देन एक्सपीरियंस, कहाँ पे कौन सा जॉब किया है, कितने महीने किया है, वो सारी चीज़ें। फिर मार्शल स्टेटस, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। देन स्पेशल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया आपका सीवी, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट करना था, जो हमने कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। उसके बाद बी देखेंगे, तो इसमें क्या है कि इमेजिन यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज एन इंजीनियर इन एप्पल डेवलपमेंट ऑफिस हैदराबाद। यानी आप ऐसा इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी एप्पल कंपनी में ना काम कर रहे हो, जो कि हैदराबाद में। राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 वीक्स लीव टू द एचआर मैनेजर एज यू हैव टू अंडरगो एन अर्जेंट सर्जरी। यानी आपको अर्जेंट कोई सर्जरी में जाना है, ओके, तो आपको छुट्टी के लिए लेटर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँ। सबसे पहले आप ये देखो, फ्रॉम मतलब इधर आपका नाम वगैरह आएगा, फिर आप किसको चिट्ठी लिख रहे हो ये यहाँ पे आएगा। पहले क्या होता था, देखो अभी लेटर का फॉर्मेट चेंज कर दिया। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, यहाँ पे लिखा जाता था, ये जो पार्ट है ना, ये जो दिस पार्ट, ये वाला, ये यहाँ पे लिखा जाता था, और टू तो यहाँ पे लिखा ही जाता था। लेकिन आपके टाइम से चेंज कर दिया गया, सो आप लोग इसको ध्यान में रखना, क्योंकि लेटर भी आता है 10th के एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो सब लोग एकदम ध्यान से समझ लीजिए लेटर कैसे लिखा जाता है। स्पेशली मैंने बोला है ना, आप लोग को ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करो, लेटर लाइक लेटर राइटिंग, उसके बाद क्लॉज, फिर टेंसेस, फिर डिग्री, वॉइस, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो। अगला देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको लिखना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंट ड्यू टू इमीडिएट सर्जरी। फिर डियर सर, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आई रिमेन योर ट्रूली सारा कछवाला, मतलब यही वो पत्र लिख रही है ना, तो दैट्स वाई उसका यहाँ पे नाम आया। और एक और बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो अपना नाम मत लिखिएगा आप लोग, कोई भी नाम लिख देना, बट डोंट राइट योर नेम। एक्स वाई जेड लिख दो, ए बी सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन नाम मत लिखो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टाइटल द विल टू विन टू बी डिलीवर्ड बिफोर द क्लास ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। ओके, आपको स्पीच लिखना है, द विल टू विन, तो इसका आंसर ये देखिए हमने लिखा। हाँ, स्पीच तो बहुत बड़ा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेंगे ना। नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, और इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टीव जॉब्स विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कंप्लीट इट विथ इमेजेस इनटू अ फाइल। तो बच्चों ये आप प्लीज़ खुद से ट्राई करो करने का, नहीं तो
मैंने तो यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन इमेजेस भी आपको लगाने हैं ना, तो ये आप खुद से ट्राई करिए करने का, ठीक है। चलिए आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इमेजेस आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा, डू यू रिमेंबर डूइंग सम एक्टिविटीज़ इन योर चाइल्डहुड दैट यू डिडंट लाइक इट? फॉर्म पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। डू यू थिंक एनी वन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ हैव हेल्प इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स? शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो इसका आंसर, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये लेसन का जो क्वेश्चन आंसर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। वार्मिंग अप भी हमने देखा और इंग्लिश वर्कशॉप भी देखा, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग ना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।